रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल हमास युद्ध, मौजूदा समय में दुनिया एक साथ कई युद्धों की गवाह बनी हुई है। ये युद्ध भले ही दुनिया के अलग अलग कोने में लड़े जा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ताजा हालात बयां करते हैं कि सुपर पावर अमेरिका रूस यूक्रेन और इसराइल हमास इन दोनों की जंग में एक कॉमन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अमेरिका एक तरफ रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूती दे रहा है, इसके साथ ही हमास और प्रतिरोधी समूहों के लिए नेतन्याहू और इजरायली सैन्य बलों की सहायता कर रहा है। और इसी कड़ी में रूस भी इस जंग में अमेरिका के खिलाफ जाकर फिलिस्तीनी लोगों की मदद कर रहा है। इसराइल के सताए गाजा से विस्थापित 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रूस के मुस्लिम बाहुल्य चेचन गणराज्य की राजधानी ग्रेंजी के नए बने इलाके में अपार्टमेंट दिए गए। इसके साथ ही उनके जीवन को सुधारने के प्रयास में रूस कदम उठा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत कर रहा है, जिससे पुतिन खार खाए बैठे हैं। यही कारण है कि रूस अमेरिका समर्थित इसराइल पर भी निशाना साध रहा है। हाल ही में इसराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान के तेहरान में रहस्यमय तरीके से हत्या की। इस हत्या पर कई देशों ने इसराइल को घेरा और नाराजगी जताई। अब इसी विरोध में रूस भी शामिल हो गया है। रूस ने इसराइल के इस कृत्य की निंदा की है। जी हाँ, रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने तेहरान में हुई इस हत्या को लेकर इसराइल को चेतावनी दे दी है। विदेश मंत्री लावरोव ने ईरान के अंतरिम विदेश मंत्री से फोन पर बात की और कहा, हमास प्रतिरोध आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये की हत्या को अस्वीकार्य है, इसके बेहद खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। हमास चीफ की हत्या के बाद से उठा तूफान अब दूर दूर तक फैल रहा है। ईरान के अंतरिम विदेश मंत्री अली बागेरी कानी के साथ रूसी विदेश मंत्री के टेलीफोन पर बातचीत से ये बात साफ है कि अब इस जंग में कोई नया मोड़ आने वाला है। क्या अब रूसी सेना हमास के प्रतिरोधी समूह के साथ मिलकर इजरायली बलों की मुश्किलें बढ़ाएगी? क्या अब रूस और अमेरिका खुले तौर पर एक दूसरे के आमने सामने होंगे? इन सब सवालों पर अटकलों और चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस जंग में रूस के शामिल होने के आसार और तेज हो गए हैं, क्योंकि लावरोव से पहले रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव ने भी हानिया की हत्या पर नाराजगी जताई थी और इस घटना की निंदा की थी। बोगदानोव ने कहा कि इस हत्या का गाजा में युद्ध विराम वार्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रूस, जिसके अरब देशों, ईरान और हमास के साथ साथ इसराइल के साथ भी संबंध है, अक्सर इन क्षेत्रों में हिंसा की निंदा की है और संयुक्त राज्य अमेरिका पर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की आवश्यकता की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अटकलों का बाजार इस बात पर गर्म है कि अब रूस आने वाले समय में हमास और प्रतिरोधी समूहों को जंग में इसराइल के खिलाफ खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब से ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमला करने की धमकी दी है और उसके बाद से ही जंग के और भयानक होने की आशंका तेज हो गई है। महज 48 घंटों के भीतर ही हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल को अपने रॉकेट हमलों से दहला कर रख दिया। हिजबुल्ला ने करीब 60 रॉकेट दागकर इसराइल में तबाही मचाई। इस जंग में अब क्या क्या होगा, ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ ये देखना अहम होगा कि आने वाले समय में इसराइल हमास के युद्ध से शुरू हुई ये जंग अब वर्ल्ड वार तक पहुँच जाएगी